हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हम कश्मीरी कल्चर को रिवाइव करना चाहते हैं, जो हम लोग भूल चुके हैं, हमारी कश्मीरी जुबान, हमारा कश्मीरी कल्चर, हमारी कश्मीरी जो तहजीब है, उससे हमारे नौजवान आगा नहीं है। उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए हमने डिफरेंट कॉलेजेस को इसमें पार्टिसिपेट कराया है एज एन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, जिसमें हमारे 8 कॉलेजेस परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस, जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, सारी कश्मीरी लैंग्वेज में है। ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव और बहुत ही ज़रूरी इनिशिएटिव है, बिकॉज़ ऐसे कोविड के बाद, जैसे आपने देखा, ऐसा कुछ सब बंद हो गया था कश्मीर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों के लिए भी, बाहर आके उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम हो गया था, इसकी वजह से वो वापस वो गेन कर रहे हैं। तो या बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है। कि अगर हम बात करें हमारे कश्मीरी कल्चर की, तो एक ऐसा कल्चर है जो पूरी दुनिया में माना जाता है, एक बहुत ही रिच कल्चर ओवरऑल कहा जाता है इसको। लेकिन आज जो ये फेस्टिवल यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस पार्टिसिपेशन का मतलब ही ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे मॉडर्न टाइम्स को लेकर, अब उनमें भी वो एहसास जाग चुका है कि हमारा कल्चर, हमारा जो हेरिटेज है, वो कितना खूबसूरत है।